हिटलर ये बहुत खच रहा था, ये रूस पे हमला करने के लिए सोच रहा था। ये तो इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, हंगरी, ये सब तो रूस से टूट गए हैं सब ना, वरना रूस तो यहां तक था। ये कंप्लीट क्या था? रूस था। ये तो 1991 में ना टूटे हैं सब, लेकिन 1945 में जब युद्ध हो रहा था, 1939 से 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये तो रूस था। तो जर्मनी ने कहा ना कि तुम हमको अनाज की सप्लाई दे दो, बदले में हम तुमको पोलैंड पर हमला करके पोलैंड दे देंगे। रूस का क्या दिक्कत है, हमारे यहां खाने वाला कौन है? ले आके 30-40 मालगाड़ी अनाज भर दिया। जर्मनी के पास 8-10 साल का अनाज स्टॉक में रख लिया, अपना 4-5 साल का स्टॉक अनाज का। अब आपके पास 3-4 साल भी एक्स्ट्रा अनाज है तो आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि अगले साल तो उगबे करेगा। रख लिया, इसके पास हो गया अनाज। जर्मनी ने हमला कर दिया पोलैंड पर। रूस चुपचाप था कि मिलेगा तो उसी को। उसके बाद पोलैंड, जर्मनी ने कहा रूस को कि इसको कब्जा करो जल्दी 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 जल्दी, आओ आओ आओ, इधर आओ इधर आओ, कब्जा करो जल्दी आओ कब्जा करो कब्जा करो। जर्मनी, रूस आया कब्जा करने, जर्मनी आया उठा के एकरे मार दिया। कहा कि तुम इतना बड़ा थे कि दौड़ा दौड़ा मारना मुश्किल था, इसलिए बुला के मारे हैं। और धाए बेचारा रूस पगला गया, कहा कि चोटा कहीं का, इतना बुरा मारा है, रूस बड़ा देश है, उसको चोटिया के मारेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, दौड़ा दौड़ा के कहां भाग जाएगा, कोई ठीक नहीं है यहां पे। अब बताइए, रूस एकदम उसको तो करकरा के लग गया, और रूस की जनता गरियाने लगी राजा को, अरे बकलोलवा तोरा नहीं बुझाया था, चल गया था वहां तुम पोलैंड पर। समझ आ गया कि नहीं? ये है जर्मनी और बगल वाला ये पोलैंड, कौन सा ये पोलैंड, इस पर हमला करने कौन चलाया था? रूस चलाया यहां पर। आई मार दिया किसको? रूस को। जो रूस इसका साथ दे रहा था, वह रूस अब कहा कि जर्मनी तोरा ना छोड़बो। हिटलर का बच तो तब न बचेगा तब ना। रूस ने समझदारी किया, रूस पीछे हट गया, यही हिटलर खत्म हो गए कहानी। रूस पीछे हट गया, रूस जैसे पीछे हटा ना, जैसे पीछे हटा, बस जर्मनी की सेना आगे बढ़ी। और जर्मनी के यहाँ मुर्मुस के या कुर्क्स एक जगह है, जहां इतना भीषण ठंडा पड़ा, इतना भीषण ठंड पड़ा कि जर्मनी की सेना जम गई बर्फ में। जर्मनी की सेना बर्फ में जम गई थी। अब उसके बाद रूस की सेना आई, तहलका मचा के रखती। अब वहां से जो रूस की सेना आई ना, तो रूस की सेना इधर से बढ़ी, ब्रिटेन की सेना इधर से बढ़ी, फ्रांस की सेना इधर से बढ़ी, चारों ओर से जर्मनी घिर गया। और हिटलर देखा ये भैया ही, तो चारों ओर से इधर छत के ऊपर चढ़ा, देखा कि 3-4 किलोमीटर बाद फ्रांस की सेना है, इधर देखा इंग्लैंड की सेना है, इधर देखा रूस की सेना है। उसको पता चल गया 3 से 4 घंटे में ये लोग आगे आ जाएंगे। तो उसकी पत्नी थी ईवा ब्राउन, उसको ले गया बंकर में, उसको जहर दिया, ले खा लो खा लो खा लो, नहीं तो बहुत बुरा मारेगा सब, बाल उल नोच उच के मारेगा सब, खाओ। उसको निपटा दिया ईवा ब्राउन को, अपने मार दिया। जैसे ज्वाइंट खाता खुलता है ना, ज्वाइंट सोसाइटी किया था वो, पति पत्नी का ज्वाइंट खाता खुलता है ना, वैसे हिटलर ने भी ज्वाइंट खाता खुलवाया था ऊपर, साथ ही गया था सर। ज्वाइंट सोसाइटी किसने किया? हाँ, ज्वाइंट सोसाइटी ईवा ब्राउन। बच गया रहता ना हिटलर, खाल उधेड़ देता सब उनका, बहुत बुरा मार मारता सब हिटलर को यहाँ पर। मर गया तो बहुत सारी जानकारियां अपने साथ लेकर चला गया यहाँ पर। हिटलर अगर बच गया रहता तो 1942-43 में ही हम लोग को आज़ादी मिल जाती, बहुत पहले आज़ादी मिल जाती, 3-4 साल पहले, इतना भी ज़्यादा पहले नहीं, 3-4 साल पहले आज़ादी मिली रहती। आगे बढ़े, और हमारे देश में तो कुछ इतिहासकारों का ऐसा समूह है जो पूरी कोशिश कर रहा है कि गांधी जी को बदनाम किया जाए। अरे यार, वो आदमी नहीं रहता तो इतिहास हम लोग का, मॉडर्न हिस्ट्री ना 10 दिन में खत्म हो जाता। वही तो चला शुरू से लेकर लास्ट तक, नहीं समझा? भगत सिंह को तो बम चलेला के चक्कर में फांसी दे दिया, नहीं समझा? 10-20 आदमी को काकोरी संयन किए, ये सब के एक ट्रेन लूटला के चक्कर में चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में गोली मार दिया, नहीं समझा? दो ही लोग तो सस्टेन किए थे ज्यादा देर तक, एक शुरुआत से लास्ट तक थे महात्मा गांधी, और लास्ट में आए सुभाष चंद्र बोस। शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, लास्ट मोमेंट में आए सुभाष चंद्र बोस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सरदार पटेल वगैरह तो उनका ज्यादा रोल आया आपका आजादी के बाद।
आजादी के बाद वाले में। आगे बढ़े, जर्मनी कितना खचरई किया था, हिटलर रद्द हो गया, हिटलर अब हो गया, ये जर्मनी मर गया, हिटलर हो गया, हिटलर की इस जर्मनी पे हिटलर की क्या हो गई, मृत्यु। आप बताइए इधर से किसकी सेना चढ़ गई थी, इधर से, इधर से, ऊपर से अमेरिकी वायुसेना, ऊपर से अमेरिकी वायु। तो याल्टन समझौता हुआ 1945 में यूक्रेन में, यूक्रेन में एक समझौता हुआ याल्टन समझौता, जिसमें कहा गया, रूस कहा कि इतना जर्मनी हम रख लेंगे, तो कहा ठीक है इतना जर्मनी तुम रख लेना। फ्रांस कह रहा है कि इतना जर्मनी हम रख लेंगे, तो कहा ठीक है तुम इतना जर्मनी तुम रख लेना। ब्रिटेन कह रहा है कि इतना जर्मनी हम रख लेंगे, तो कहा ठीक है इतना जर्मनी तुम रख लेना। अब आता है अमेरिका, अमेरिका कहता है ई वाला जर्मनी हम रख लेंगे, जर्मनी का प्रसादी बट गया, समझ में गया कि नहीं, जर्मनी का प्रसादी बांट दिया। इस सब के बावजूद, इतना सब होने के बावजूद बवाल हो गया इस बात को लेके कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन भी बांटा जाए। देश तो बांट दिए, अब किसी देश का राजधानी सबसे विकसित होता है, बर्लिन भी बांटा जाए। तो रूस कह रहा है 40, बर्लिन में 200 वार्ड है, कितना वार्ड, 200 वार्ड, कह रहा 50 गो वार्ड मेरा। तो अमेरिका कहता 50 वार्ड मेरा, रूस कहता 50 गो वार्ड मेरा, ब्रिटेन का, फ्रांस ब्रिटेन सब वार्ड, वार्ड मेंबर तक बांट लिया सब। जर्मनी के लोग कह रहे थे कि हमारा क्या हो रहा है बा, सोचिए कितना भयानक स्थिति थी जर्मनी की। क्या आप इंडिया पाकिस्तान देखे हैं, अभी देखिए जर्मनी का हालत खराब कर दिया सब। और जर्मनी में जब ये हो गया, तो देखिए ब्रिटेन फ्रांस और अमेरिका ये एक के गोल के हैं सब, इसलिए ये सब एकवट गया सब, और बहुत डेवलपमेंट इधर किया सब। और इन लोग की एक खासियत है, ये लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र सिद्धांत से चलता है, किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं, जबकि तानाशाही व्यक्ति के हिसाब से चलता। ये तीनों एकवट गया, तो रूस यहां दीवाल चला दिया, बर्लिन की दीवाल, देशवा के बीच में से दीवाल चला दिया, बर्लिन की दीवाल। इधर के लोग ज्यादा डेवलप, इधर के लोग कम डेवलप, इधर लोकतंत्र है इधर लोकतंत्र नहीं है, इधर वोट डाल के नेता बदल सकते हैं, उधर नेता के खिलाफ कुछ बोले तो गोलियां मार देगा, यहां तानाशाह है। अब लोग जर्मनी के उब गए कि ससुआ तू नहीं हमारा देश का तुम बंदर बाट करेगा। 1989 आते आते रूस कमजोर हो गया, और फाइनली रूस तो 1999 में तो मरिए गया, लेकिन मरने से पहले कोई भी कमजोर हो जाता है। 1989 तक रूस इतना कमजोर हो गया कि बर्लिन की दीवार ढाह दी गई, बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई, और पूरा बर्लिन एक हो गया, जर्मनी एक हो गया। तो जर्मनी की आजादी 1989 की, समझ गया, 1989 बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई, और पूरे जर्मनी पे चुनाव कराया गया, चुनाव के बाद लोकतंत्र हुआ, लोकतंत्र के बाद लोगों को आजादी दी गई, और जर्मनी रसिया के प्रभाव से मुक्त हो गया, और किसके प्रभाव में चला गया, पश्चिमी देशों के प्रभाव में चला गया, और रसिया के प्रभाव से हट गया। सोचिए ये दे आजादी मिला इसको, समझ गया, बर्लिन की दीवार। आप में कोई 1989 का भी है, ये हम लोग के सामने ही सब दीवाल वाल टूटा था, संग आ गया कि नहीं आ गया हम लोग के, अरे हम नहीं देखे थे, रेडियो पे सुनते थे, दीवाल गिरा दिया बर्लिन का, संग आ गया कि नहीं आ गया, गिर गिलो दीवाल, हम लोग को लगा कौन दीवाल गिरा दिया भाई, कितना हल्ला हो गया। उस समय दूरदर्शन चलता था और एक वो रेडियो चलता था बीबीसी, अब बीबीसी में बड़का धोधड़ रेडियो में दो हाथ का एंटीना निकाल के छत्ते पे चढ़ के आदमी बीबीसी सुनता था। हाँ, बोरिस याल्सन के प्रभाव के मुक्त होकर पश्चिमी यूरोप के प्रभाव में आकर जर्मनी ने अपने बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया, और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण शुरू हो गया। अभी आप सुन रहे थे बीबीसी का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग, अब आपको विविध भारती सुनाया जाएगा। वो दौर भी गजब था, हम लोग लगा नहीं सोचा कौन दीवाल गिरी ले रहे, इतना हल्ला हो गया दीवाल गिरी ला पे। जर्मनी सोचिए बर्लिन ये आजाद हुआ, जर्मनी कितने साल का हो रहा होगा, 32-33 साल, आप उसको 90 मानिए तो 34 साल, नहीं समझे, 34 साल, 34 साल में जर्मनी कहां चला गया। आज हमारी अर्थव्यवस्था जर्मनी से टक्कर लेती है, मतलब जर्मनी कभी आगे कभी पीछे, हम लोग फ्रांस जर्मनी जापान तीनों की अर्थव्यवस्था एक ही लमसम में है, जर्मनी जापान फ्रांस और भारत।
इतना तेजी से डेवलप किया जर्मनी, हम लोग क्यों नहीं डेवलप कर पाए? हमारे यहां नेता बिजी है जाति या धर्म में लड़ाने में, और लड़का बिजी है आंख लड़ाने में। समझ में आ गया कि नहीं? उस ससुर आपने बिजी है, आओ बिजी है गया देश काजने किने जा रहा है। जब तक लड़का को होश आता है एक उम्र गंवा चुका होता है। नहीं समझ में आया? अब मतलब ये देश का क्या होने वाला है? आप आधा तो इसमें परेशान रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की सबको कंफ्यूजन रहता है, एक करियो को देखता है, हाई गोर को देखता है, हाई दुका हमरा मुझौसा देखते रहता है। यहाँ पे मरा है हम मुझौसा कहीं का दिन खराब कर दिया हमरा। हाँ तुम देखो जी, तुम देखो, तुम देखो, तुम ठीक हो? बेचारा लड़का अलगे कंफ्यूजन में रहता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पटना में ना तुम लोग बेवकूफ बनने से बचना। समझ में आ गया ना? कोनो को या लड़की का चाचा का लड़का है, जान जाएगा तो दिक्कत, चाचा का लड़का नहीं है। ये सबसे बच कर रहना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे गौवा में तो खाली मुझे उसे मिलेगा सब, यहाँ आने के बाद उसको ऑप्शन दिखा, और ये तरीका ये ठीक है, तुम चाचा का लड़का बन जाओ। और आप भी उसके नजर में चाचा का लड़का है, दोनों एक दूसरे को चाचा का लड़का समझ रहा है। नहीं समझ आया? तुम लोग चाचा का लड़का है? अरे अरे बाप रे बाप, क्या काम से चाचा का लड़का भी हो गया है। दोनों लड़का एक दूसरे को क्या समझता है? चाचा ओकरो से बोल रहे कि चाचा का लड़का है, ओका एकरो से बोल रहे चाचा का लड़का है, और दोनों एक दूसरे से बच रहा है। अब भारत में बड़ी स्थिति है, यंग लड़का सब परेशान है इसी सब चक्कर में। हम कितना समझाएं आप लोग को? आप लोग को ज्यादा दिन नहीं, एक दो साल, आप एक दो साल में आपका जॉब हो जाएगा, टेंशन खत्म, फिर आप अपने जीवन के खुद मालिक हैं। नहीं समझ आया? टेंशन खत्म। लड़की लोग में भी आप लोग का तो जीवन नौकरी नहीं होगा तो बहुत दुर्दशा हो जाएगा आप लोग। समझ में आएगी नहीं? जितना बदरंग दिख रहा है सब ना। जितना अलकतरा फैक्ट्री है सब। सब सेलेक्ट करके ले जाएंगे आप, घर वाला समझाएगा जाए तो नौकरी है ना, उसको नौकरी है आप। समझ आ गया? कौन जी, कौन जी करिए? देखो इसको तो पढ़ना नहीं है आपको, करिए सर बदरंग मिलेगा तो पार्लर ले जाके ठीक करा देंगे उसको। लड़की नहीं है कि पार्लर में बदल जाएगा, वो चटकार रंग का है, कुछ नहीं होने वाला है उसको। हम पहले हम क्रीम लगाए सोच रहे क्रीम में काला हो गया। हम चार पांच साल तक, सात साल तक लगाए थे क्रीम। हाँ फेरल लवली, फेरल लवली काला हो गया। तो एक बार गुसिया के हम बोले कि चमगादड़ से पड़ी बनाते, उसका नाम ही बदल दिया ग्लो एंड लवली, ग्लो एंड लव। नहीं समझ आया? करिया होके रह जाता, क्रीम में करिया हो जाता था यहाँ पे। लड़का कोई पार्लर में ले जाएंगे, ब्यूटी पार्लर में भैंस का वो बदल तो। लड़के पक्के रंग के होते हैं तो वादों के भी पक्के होते हैं। लड़की लोग आप लोग जीवन में एक चीज का हमेशा कमी आपको फील होगा, दोस्ती का रियल मायने जो मिलेगा ना आपको, इमरजेंसी में काम आने वाला सब, वो आप में थोड़ा सा कम मिलता है, लड़का सब में ज्यादा। तुरंत भाई मारोगे लो, अरे नहीं है खचरा सब, कभी अच्छाई में काम नहीं आएगा सब। मार करके देखो, अबे दौड़ जाएगा जैसे बिना चप्पल दौड़ जाएगा आप खचरा सब। आप आगे बढ़े, यहाँ कौन सा काम कर रहा है जी? कोई कटिंग कर रहा है यहाँ पे, बोलो उसको थोड़ी देर में करेगा। जर्मनी समझ में आ गया? बर्लिन की दीवार कब तोड़ दी गई थी? तुम्हारा चाचा का लड़का बेचारा टेंशन में ही।
अब जितना लड़का है सब, जिसको जिसको खबर है कि चाचा गले, अब उसको आज के क्लास में मन नहीं लगेगा। ये भगवान हमारा तो दूदू को चाचा का लड़का बतैले। एक मौसी का लड़का बोल रहे, अरे तरीका गई ले यहाँ पे जा, कहानी खत्म। आई लोग को लगता लड़की बेकूफ होती है सर, बताओ बेकूफ होती है सर नहीं। लड़की सब अंदर से घुस जाती है तो हमारा पूरा भंडा फोड़ दिया ही। अब का बोलेंगे ओकरा हम, आधार कार्ड दिखाए के पड़ेगा।